नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फॉर्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक किसान भाई का कमेंट था कि दीदी प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए कि हमारे पास एक गाय है और उनकी घर की जो गाय थी वो गाय को जने हुए एक साल हो गया, उसने दूध भी खूब दिया और दूध देने के बावजूद उसको दूध देते देते हुए बहुत समय हो गया पर वो हीट में नहीं आई। अब साल भर से ऊपर हो गया, हीट में नहीं आ रही है, दूध वैसे भी सूख चुकी है। तो उन्होंने जो है दवा वगैरह सब डलवा दी, उसकी बच्चेदानी में सफाई वगैरह सब करवा दी, फिर भी हीट में नहीं आ रही है। तो दीदी आप इसका कुछ उपाय बताएं। तो आज इसी विषय पर हमने ये वीडियो बनाई है क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है किसान भाइयों के साथ कि जो गाय आपको अच्छा दूध दे रही है और दूध तो दे रही है पर वो हीट में नहीं आ रही है या कमज़ोर हीट में आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, तो जिसकी वजह से जो हमारी गाय है वो ख़राब हो जाती है, नेक्स्ट बार ना बच्चा देने के काबिल होती है और ना ही दूध देने के काबिल होती है। तो ऐसी गायों को हम कैसे बचाएं? तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली, तो सभी इसे पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि एक किसान का पशु जब इस प्रकार से बिगड़ता है तो उसे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि सबसे पहले तो जब वो पशु आपको लंबे समय तक दूध देता है, ऐसे ही पशु आपको बहुत कम मिलते हैं जो लंबे समय तक दूध दें। तो इस वजह से यदि हमारा ऐसा पशु बिगड़ता है तो हमें बहुत नुकसान होता है। तो सबसे पहले आपको अपने पशु को जो है एक बैलेंस डाइट खिलाना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि सूखा हरा, उसके साथ ट्रांजेक्शन फीड, एक अच्छी फीड जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हों, प्लस इसके साथ साथ मिनरल मिक्सचर, वो भी एक अच्छा जो कि बहुत ही बेहतर होना चाहिए। मिनरल मिक्सचर आपको जो है जब भी खिलाएं सस्ता मत देखिए, मिनरल मिक्सचर अच्छा देखिए। अच्छा जो आप लेंगे तो वो थोड़ा महंगा आएगा, जैसे कि हम यूज़ करते हैं मिनफा गोल्ड। कई किसान भाई हमसे पूछते हैं कि आप कौन सा मिनरल मिक्सचर यूज़ करते हैं, हम जो है इंटास कंपनी का मिनफा गोल्ड यूज़ करते हैं। अब बहुत सारी जगह जो है इंटास कंपनी का जो मिनफा गोल्ड नहीं मिल पाता है, तो आप मैनकाइंड का टोटावेट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम इन दो कंपनियों पर बहुत विश्वास करते हैं। विश्वास का जो नज़रिया है वो कुछ इस प्रकार से है क्योंकि हमने इन चीज़ों को यूज़ किया, पहले हमने लोकल यूज़ किया, उसके बाद इन कंपनियों का जो है मिनरल्स यूज़ किया जिसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले। मिनफा का जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमारे पशु बैक टू बैक हिट पे आते हैं, और जैसे कोई पशु जनता है, अब कई किसान भाई कहते हैं कि तिवाना फीड हम खिला रहे हैं, हमारा पशु रिपीट मार रहा है या हिट में नहीं आ रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो है फीड के साथ साथ जो है मिनरल मिक्सचर पर फोकस करते हैं। तो आपको जो है अपने पशु को मिनरल मिक्सचर एक अच्छी कंपनी का खिलाना ही है, भले ही आपका पशु दूध दे रहा है नहीं दे रहा है, पर आपको उसको जो है मिनरल मिक्सचर देना है। साथ में अच्छी कंपनी का जो है आप फीड खिलाइए, एक बैलेंस डाइट खिलाइए उसे। उसके बाद पशु जो है कभी भी ऐसा नहीं होता कि हिट में नहीं आता, हिट में आता है पर कमज़ोर हिट में आता है। कमज़ोर हिट ऐसी होती है कि हमें पहचान में नहीं आती है। कई बार पशु जो है बिल्कुल डिस्चार्ज वगैरह भी नहीं देता है और जो है कूदता भी नहीं है, और ऐसी कंडीशन में किसी को भी पता नहीं पड़ पाता है कि आपका पशु हिट में है। इसके लिए आपको जो है उसको मिनरल मिक्सचर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खिलाना पड़ेगा, तो जिससे आपका पशु जो है अच्छी हिट में आने लग जाएगा। इसके बाद अब बारी आती है कि जो पशु आपने पूरे साल हो गए उसको कभी डिस्चार्ज डालते हुए नहीं देखा है, तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि ZS कंपनी की साइक्लोमिन 7 ये गोली आती है, 21 गोलियां आपको ख़रीद कर लानी है जो कि ZS कंपनी की है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ZS कंपनी साइक्लोमिन 7 ये गोलियां आपको लानी है 21, और जो पशु आपका प्रॉपर हिट में नहीं आ रहा है या हिट दिखाई नहीं पा रहा है उसको पर डे की एक गोली आप 21 दिन तक लगातार दीजिए, और गोली बिल्कुल ऐसे खिलानी है कि खड़े रह के, ऐसा नहीं कि आपने फीड वगैरह में डाल दी तो पशु ने खाई खाई नहीं खाई, वरना आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। बिल्कुल आप रोटी में या गुड़ में लपेट के अपने पशु को खड़े रहकर 21 गोली 21 दिन तक जो है आपको लगातार खिलानी है। इसके साथ में आप 5 ml गायनरिच लाकर या तो खुद लगा दीजिए गर्दन पर, या तो फिर किसी डॉक्टर से 5 ml अपने पशु को जो है गायनरिच लगवा दीजिए।
इस गायनारिच की मदद से जो है आपका पशु बिल्कुल परफेक्ट हिट में आएगा, क्योंकि गायनारिच और साइक्लोमिन 7 इन गोलियों का और इस इंजेक्शन का ये काम होगा कि पशु जो है परफेक्ट हिट कब नहीं दिखाएगा, जब पशु के हार्मोन्स अनबैलेंस होंगे। पशु के हार्मोन्स जब बैलेंस होते हैं तब जाके पशु हिट में आता है, और जब पशु के हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं या ज़्यादा या कम, तो पशु जो है परफेक्ट हिट में नहीं आता है। तो इस वजह से हमें जो है इनको बैलेंस में लाने के लिए इंजेक्शन और गोलियों की आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ साथ मिनरल्स, जब पशु के अंदर किसी भी मिनरल्स की कमी आ जाती है तो उससे भी उसके हार्मोन्स जो है अनबैलेंस हो जाते हैं। तो जैसे ही हम मिनरल्स खिलाते हैं उससे भी पशु के जो है हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाते हैं, उसके साथ साथ हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे भी पशु के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, और जब हम उसको गोलियां वगैरह भी खिला देते हैं तो उससे भी परफेक्ट उसके हार्मोन्स जो है बैलेंस हो जाते हैं। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे, जैसे ही आपने गोलियां ख़त्म की, अगर नहीं भी की, गोली पूरी ख़त्म नहीं भी हुई है, मान लीजिए आपने 2-4 खिलाई, 5-6 खिलाई और आपकी गाय जो है हिट में आ गई, तो आपको उसको गोली देना बंद नहीं करना है। आप AI करवाइए, उसके बाद उस गोली को पूरी 21 गोली ख़त्म करना है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पूरी 21 गोली यदि आपने ख़त्म कर दी आपकी गाय की खिलाकर, तो आपकी गाय एक परफेक्ट हिट में आएगी और कंसीव भी करेगी। इसके साथ मिनरल मिक्सचर आपको रेगुलर चलते देना है, साथ में बैलेंस डाइट अपने पशु को ज़रूर से देना है। जैसे अब कई बार कई किसान ऐसा भी करते हैं कि गाय दूध पे से सूख गई तो उसे बाटा वगैरह खिलाना बंद कर देते हैं। जिसके पास हरा है वो केवल हरा ही हरा खिलाता है, जिसके पास हरा नहीं है सूखा ही सूखा खिलाएगा, उसको फीड वगैरह नहीं डालेगा। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, यदि आप फीड नहीं खिलाएंगे तो पशु के हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे। जैसे हमें खाने पीने में हर चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पशुओं को भी एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। और बैलेंस डाइट पशु को हर प्रकार का खाना खिलाने से मिलता है, जैसे कि सूखा, हरा, उसके बाद फीड, ये सारी चीज़ आपको खिलाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी फीड और ऐसी बैलेंस डाइट और साथ में मिनरल्स वगैरह आप चलने देंगे तो आपकी गाय जो है 100% अच्छी हिट में आएगी। इसके बाद आपको जो है उसकी हिट को देखना है, इंजेक्शन ज़रूर से लगाना है, गोली ज़रूर से खिलाना है, और हिट उसकी आपको देखना होगी। कई बार ऐसा होता है जैसे आपने ये चीज़ें कर ली उसके बाद वो हिट में आई है तो वो किसी पर कूद रही है पर डिस्चार्ज नहीं कर रही है, पर यदि कूद रही है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो गाय है वो हिट में आ गई है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, खाना वगैरह कम कर दिया है, तो भी आप ये समझिए कि आपकी गाय हिट में आई है। तो आप जो है उसको सीमन डलवाइए, यदि आपने सीमन डलवाने के लिए हाथ उसे डॉक्टर ने डाला है तो डिस्चार्ज वो ज़रूर से गिराएगी, और यदि हल्की हिट में है तो आप उसकी बच्चेदानी की मसाज करवा दीजिए। तो जैसे कि ये हिट में आपने उसकी मसाज करवा दी है अगर, तो अगली नेक्स्ट जो हिट होगी वो बहुत अच्छी आएगी। तो इन सब चीज़ों को यदि आप करेंगे तो 100% जो है आपकी गाय हिट में भी आएगी और कंसीव भी करेगी। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो ये वीडियो है अच्छी लगी होगी, और मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। जिस भी भाई साहब ने ये कमेंट किया था, प्लीज़ आप इन चीज़ों को ज़रूर से अप्लाई करिए, आपके गाय ज़रूर से हिट में आएगी। आप भले ही वो दूध नहीं दे रही तो भी आप उसको फीड वगैरह खिलाइए, क्योंकि अभी की जो नुकसान है वो आगे चलकर जब वो जनेगी और दूध देगी तो उसकी भरपाई वो कर देगी। तो इस वजह से आप जो है अभी थोड़ा उस पर खर्चा कर दीजिए, तो जिससे कि वो अच्छी हिट में आएगी। गोली बिल्कुल बिल्कुल खड़े रहकर आप उसको गोली खिलाइए, और 5 ml इंजेक्शन यदि आप एक्सपर्ट हैं तो आप खुद लगा लीजिए, और एक्सपर्ट नहीं है तो आप डॉक्टर की सहायता से डॉक्टर से लगवाइए 5 ml गायनारिच, और साइक्लोमिन 7 गोली ज़रूर से खिलाइए, और इसके साथ में मिनरल मिक्सचर भी ज़रूर से देना है आपको। तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।